जय गुरु। आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योगदा सत्संग महाविद्यालय। हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑन द टॉपिक प्रमोशन। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। प्रमोशन, जिसे हिंदी में पदोन्नति कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड सबको जानते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। ये हम लोग बहुत फेमिलियर है इस वर्ड से। सो इन टर्म्स ऑफ एचआरएम के लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। लेट्स सी। Promotion refers to the upward movement of an employee from one job to another higher one with increase in salary, status and responsibilities. तो promotion क्या होता है? एक job से वो next level of job में promote किए जाते हैं। Upward movement होता है employee का। और जब अपवर्ड मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, यानी एक लेवल से जब वो अपर लेवल में जाते हैं, तो उनके सैलरी, स्टेटस, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, उनका स्टेटस बढ़ता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है और सैलरी, पर्क्स, ये सब भी बढ़ता है। दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय within the organization. Promotion कैसा movement है? Vertical movement है employee का। ठीक है, वही transfer आपका horizontal movement होता है, लेकिन promotion आपका vertical movement होता है। Now suppose in exam question आता है, what do you mean by promotion? तो पहले आपको अपने language में समझाना है जो भी मैंने आपको समझाया। फिर अच्छा होगा कि आप लोग एक ऑथर का डेफिनेशन लिखे, ताकि आपका फुल आंसर वो लगे कि इट्स अ कंप्लीट आंसर। तो इसलिए मैंने योडर का डेफिनेशन दिया है। यू कैन राइट, प्रमोशन इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट टू अ पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज आर इंक्रीज्ड। वेरी सिंपल। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोशन, यानी पदोन्नति के प्रकार। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, समतल पदोन्नति। वर्टिकल प्रमोशन, लंबवत पदोन्नति। ड्राई प्रमोशन, शुष्क पदोन्नति। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि होता क्या है ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड इन द सेम कैटेगरी, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। ठीक है, एम्प्लॉय का प्रमोशन, जब एम्प्लॉय प्रमोट होते हैं सेम कैटेगरी में, ठीक है, तो ऐसे प्रमोशन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। क्लियर? जैसे जूनियर क्लर्क से अगर प्रमोट होते हैं टू अ सीनियर क्लर्क, तो कैटेगरी तो वही है क्लर्क का, बस यहां पे प्रमोट हुए हैं फ्रॉम जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क, लेकिन कैटेगरी क्या है? सेम। ठीक है, सो इस तरह के प्रमोशन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका वर्टिकल प्रमोशन, व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड फ्रॉम अ लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन सैलरी, स्टेटस, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज वर्टिकल प्रमोशन।
कहता है जब एम्प्लॉई प्रमोट होते हैं लोअर कैटेगरी से बिल्कुल कहां हायर कैटेगरी में, ठीक है, मतलब उनका हायरार्की जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी भी मिलेगा। तो इस तरह के प्रमोशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्रमोशन। वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन क्या था, एम्प्लॉय प्रमोट होते हैं लेकिन सेम कैटेगरी में, ठीक है। और वर्टिकल प्रमोशन क्या है, एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है फ्रॉम वन हायरार्की टू नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, ठीक है। तो इस ये प्रमोशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्रमोशन। नेक्स्ट, ड्राई प्रमोशन। व्हेन प्रमोशन इज मेड विदाउट इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, विदाउट इंक्रीज इन सैलरी इट इज कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। देखिए, एम्प्लॉय का प्रमोशन तो हो रहा है लेकिन उसके सैलरी में, उसके पर्क में कोई भी तरह, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रमोशन को हम क्या कहते हैं, ड्राई प्रमोशन। एग्जाम्पल में जैसे सपोज यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से अब किसी एक फैकल्टी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वहां तो वो हेड है, डिपार्टमेंटल हेड वो बने, लेकिन सैलरी में पर्क्स में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो इस तरह के प्रमोशन को हम क्या बोलते हैं, ड्राई प्रमोशन। क्लियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ प्रमोशन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन पॉलिसी को देखते हैं, यानी पदोन्नति नीति। किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना रहता है, किसी भी टास्क को इंप्लीमेंट करना होता है तो एक पॉलिसी बनता है, एक नीति तैयार होता है ना। तो प्रमोशन पॉलिसी क्या है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन सही रहेगा तो आगे का प्रोसेस भी सही रहेगा। इसलिए प्रमोशन पॉलिसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स होना चाहिए। अगर वो सारे फीचर्स आते हैं तो वो किसी भी प्रमोशन पॉलिसी को एक गुड एंड साउंड पॉलिसी बनाता है। क्लियर। तो लेट्स सी क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से विशेषताओं के कारण एक पदोन्नति नीति एक गुड पॉलिसी बन सकता है। लेट्स सी, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक्स अ प्रमोशन पॉलिसी as sound and good policy. Number one, it must be fair and impartial. यानि promotion policy ऐसा तैयार होना चाहिए कि बिल्कुल fair होना चाहिए और किसी भी तरह का partiality नहीं होना चाहिए, ठीक है। Number two, both quick and delayed promotion must be avoided as this ultimately adversely affect the ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो प्रमोशन पॉलिसी में ये भी बातों का ध्यान होना चाहिए, ये भी पॉलिसी में होना चाहिए कि क्विक प्रमोशन भी नहीं होना है और बिल्कुल डिले प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय आया और एक महीने में प्रमोट कर दिए, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पांच साल तक वो काम कर रहा है और किसी भी तरह का उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा। इसलिए क्विक प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए और डिले प्रमोशन भी, ये दोनों अवॉइड होना चाहिए क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को वो बहुत अफेक्ट करता है। और इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे तो वो जाहिर सा बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस पे भी वो गलत प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्लियर। नंबर थ्री, द बेसिस ऑफ प्रमोशन मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड एंड मेड नोन टू द एम्प्लॉयज। जो भी पदोन्नति नीति है, प्रमोशन पॉलिसी है, वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई, बिल्कुल क्लियर वो लिखा होना चाहिए, एक एक पॉइंट का क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और वो प्रमोशन पॉलिसी को एम्प्लॉयज के बीच डिस्क्लोज करना भी कंपल्सरी है ताकि एम्प्लॉय जाने कि ये टर्म्स में, ये रिस्पेक्ट में अगर हम काम करें तो हमें जल्दी प्रमोशन मिलेगा।
ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज के बीच प्रमोशन पॉलिसी का डिस्क्लोजर भी करना कि किस बेसिस पे होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट, इट मस्ट बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. कहता है प्रमोशन पॉलिसी में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि प्रमोशन सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा, ठीक है, उनके जो भी टैलेंट या जो भी जिस बेसिस पे है, मतलब सारे एम्प्लॉयज के लिए ये एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव, और उसके बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, ये सब बिल्कुल भी, ये सब इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट है. ठीक है, इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रमोशन पॉलिसी. सो दिस पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रमोशन पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेक a promotion policy sound and good policy. So I hope student you have understood what is promotion, what are the types of promotion and the characteristic of a good promotion policy. Thank you. Jai Guru.